हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं रिकर्शन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चले तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है मन में कि यार रिकर्शन होता क्या है। तो रिकर्शन बेसिक है कि एक फंक्शन होता है जो अपने आप को ही कॉल करता रहता है, ये रिकर्शन है। ओके, कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया डेफ और फंक्शन का नाम दे दिया हाय। और यहां पर मैंने कर दिया प्रिंट हेलो। ओके, हमने यहां पर प्रिंट कर दिया हेलो, ठीक है। और हमने फंक्शन को करा लिया कॉल हाय, रन किया हमने। तो एज यू कैन सी, हमारे पास एक हेलो आ रहा है। ओके, अब यहां पर रिकर्शन कहां हुआ? तो रिकर्शन के लिए क्या कि ये खुद को ही कॉल करा रहा है, तो हमने इसके अंदर से वापस से हाय को कॉल करा दिया। अब टेक्निकली क्या होना चाहिए कि ये इसके यहाँ से कॉल होके इसके अंदर जाएगा और यहाँ से प्रिंट हेलो कर देगा, और फिर इसके बाद ये देखेगा कि वापस से कॉल, तो वापस से ऐसे लूप चलता रहेगा ये। ओके, तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो रन किया तो हमारे पास एक टाइम पर आकर ये एरर शो कर दिया। ये आप देख सकते हैं 993 टाइम चलाइए और फिर इसके बाद हमारे पास एक एरर शो कर दिया। तो इस ये किस क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि कई बार क्या होता है कि आप नहीं चाहते कि कोड रिकर्शन में जाए, लेकिन गलती से यदि चला जाए तो वो सिर्फ 1000 टाइम चल के रह जाए, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा इनफाइनाइट में जाएगा तो वो मेमोरी पूरी भर देगा और आपका सॉफ्टवेयर वगैरह जो है क्रैश हो जाएगा। ओके, तो इसलिए पाइथन ने लिमिट को सेट कर दिया। हम कैसे देख सकते हैं लिमिट? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस को, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं प्रिंट प्रिंट और यहाँ पर सिस डॉट, और जैसे ही आप डॉट लगाओगे तो आप देख सकते हो कि हमें सबसे पहले देखना है कि रिकर्शन, तो गेट गेट रिकर्शन लिमिट, एज यू कैन सी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया गेट रिकर्शन लिमिट पे, और मैंने यहाँ से इसे हटा देता हूँ वरना ये लूप अगेन रन हो जाएगा, और मैंने यहाँ पर रन कर दिया। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर 1000 लिमिट दे रखी है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। यस, बिल्कुल। तो आपको चेंज करने के लिए क्या करना है, सिस डॉट सेट रिकर्शन लिमिट, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ 50। मतलब आप 2000 टाइम, 3000, 10000 टाइम दे सकते हो, पर मैं 50 दे देता हूँ। ओके, और अब हम यदि इसे रन करते हैं तो एज यू कैन सी हमारे पास 50 आ रहा है। चलिए हम एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या ये सही में 50 दे रहा है। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं आई काउंटर वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल के अंदर हम 0 दे देते हैं, और हम चाहते हैं कि प्रिंट के साथ ये हेलो के साथ प्रिंट हो कि भाई रिकर्शन की वैल्यू कितनी बार चल रही है। तो यहाँ पर ग्लोबल, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे, ग्लोबल आई, एंड आई को कर देंगे हर बार हम प्लस, और यहाँ पर हम यूज करेंगे आई। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो गया है, और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को कर देते हैं रन। तो एज यू कैन सी ये 46 टाइम तक चल रहा है, और उसके बाद ये रिपीट कर रहा है 43 टाइम्स, ठीक है। क्या फिर आपको लगता है कि क्या सही में रिकर्शन का यूज है? यस, डेफिनेटली इन इन ए प्रोग्रामिंग रिकर्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज है। तो हम जो हमने लास्ट वीडियो में फैक्टोरियल निकाला था, नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टोरियल निकालेंगे रिकर्शन से। ओके, तब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।